के इस प्रोग्राम में हम एक पंप बनाएंगे और इस पंप की सहायता से, ये एक बहुत ही मजेदार पंप है जिसकी सहायता से हम किसी भी गुब्बारे में को हवा से भर सकते हैं। और ये इतना सशक्त पंप है कि अगर हम इसको चलाते जाएं तो अंत में क्या होगा, गुब्बारा फट जाए। ये इससे किसी भी गुब्बारे को हम हवा से भर सकते हैं इस पंप से। और पहले तो हम इसको खोल के देखेंगे। ये पंप बहुत ही साधारण चीज़ों का बना हुआ है, ऐसी चीज़ें जिसको हम आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो आप लोग सभी पहचान गए होंगे कि बीच वाली क्या चीज़ है। ये एक रबर है, और रबर कौन सी, ये साइकिल का पुराना ट्यूब है। आपने देखा होगा कि साइकिल का पहिया होता है, साइकिल के पहिए में बाहर टायर होता है और टायर के अंदर ट्यूब होता है। और अक्सर जब पंचर होता है तो ट्यूब में ही पंचर होता है, और जब बहुत सारे पंचर हो जाते हैं तो हम उस ट्यूब को फेंक देते हैं। तो ये एक साइकिल का पुराना ट्यूब जैसा है। और ये पंप एक विशेष खोज पे आधारित है। वो खोज क्या है भाई, ये तो साइकिल का पुराना ट्यूब हो गया, और ये क्या चीज़ है, ये है पुरानी जो फिल्म रील की जो डिब्बी, इसमें कैमरे की रील आती है वो डिब्बी है। और ये पंप एक बहुत छोटी सी खोज पे आधारित है कि ये फिल्म रील की डिब्बी पुराने साइकिल के ट्यूब के अंदर एकदम फिट बैठते हैं, बिल्कुल जैसे एक दूसरे के लिए बनी हो। यानी कि अगर हम एक ट्यूब का टुकड़ा लें तो उसमें नीचे से हम एक डिब्बी डाल सकते हैं और ऊपर से भी एक डिब्बी डाल सकते हैं। और ऊपर से भी एक डिब्बी डालने से क्या होता है कि ऊपर नीचे एक एक डिब्बी हो गई तो बीच वाला हिस्सा बिल्कुल जैसे धोखनी होती है, इसका धोखनी बन जाता है। आपने इस तरह की धोखनी हारमोनियम में देखी होगी या किसी लोहार को देखी होगी, लोहार की धोखनी जो होती है। अब इसमें यह है कि जब इसको हम दबाते हैं ट्यूब को, क्योंकि रबर का ट्यूब है तो इसकी प्रवृत्ति होती है कि ऊपर आता है, ये स्प्रिंग करता हुआ ऊपर आता है। और जब ऊपर आता है तो नीचे से सांस खींचता है भाई, तो इसके अंदर सांस आ पाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर एक छोटा सा एक छेद करना पड़ेगा। तो हमने वही करा कि इस डब्बी के अंदर एक छेद बनाया, वो आपको दिखाई दे रहा होगा छेद। ये डिब्बी में एक छेद है जिससे कि हवा जो है इस ओर से इस ओर जा पाए, ठीक है। तो उसके लिए एक छेद है इसके अंदर, पर दिक्कत यह, हम चाहते हैं कि हवा जो है इस दिशा में ना जा पाए। ये बिल्कुल एक ट्रैफिक लाइट जैसी हो कि इधर से तो हवा जाए पर इधर से हवा का जाना बंद हो। तो यह बिल्कुल एक ग्रीन लाइट हो जाएगी और यह हो जाएगी रेड लाइट, यह हो जाएगी गो और यह हो जाएगी स्टॉप। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमने एक टेप का टुकड़ा लगाया है कि जो एक फ्लैप का काम कर रहा है, खुल रहा है और बंद हो रहा है। अब मैं आपको इसमें फ्लैप किस तरह से लगाया है ये मैं आपको एक लगा के दिखाता हूं। हम क्या करते हैं, कोई भी एक टेप लिया हमने, एक टेप का टुकड़ा लेते हैं, और टेप का टुकड़ा लेकर के उसको थोड़ा सा काट लिया हमने। और ये टेप की विशेषता यह है कि इसमें एक तरफ तो गूंद है और दूसरी तरफ इसमें बिल्कुल एक प्लेन सतह है, एक तरफ गूंद, केवल एक ही तरफ गूंद है। अब हम क्या करते हैं कि गूंद को गूंद पर ही थोड़ा सा चिपका देते हैं। अब ये छोटा सा हिस्सा जो यहां पर है, यहां पर तो कोई गूंद नहीं है, और पर जो नीचे गूंद वाला हिस्सा है, और हमने क्या देखा, ये हम कोई भी डिब्बी में हमने छेद किया, इसके पेने में छेद किया और फिर इसको इस तरह से चिपकाया कि जो जिसको हमने डबल करा था, दोहरा करा था, वो बीच में आ जाए, क्योंकि बीच में तो कोई गूंद नहीं है, तो उसकी वजह से ये छोटा सा टेप जो है खुल सकता है और बंद हो सकता है। यानी अगर मैं इधर से फूकूंगा तो क्या होगा, हवा बाहर जाएगी, पर मैं क्या सांस अंदर खींच सकता हूं, सांस अंदर खींचने की चेष्टा करूंगा तो ये फ्लैप जो है वो खिड़की को बंद कर देगा। यानी कि बिल्कुल एक ट्रैफिक लाइट बन जाती है, ये हो जाती है ग्रीन लाइट और ये हो जाती है रेड लाइट। यही एक वाल्व है, ये बहुत ही एक सरल सा एक वाल्व बन जाता है जो हवा को एक ही दिशा में जाने देता है और दूसरी दिशा में उसको बंद करता है। तो एक तो वाल्व ये हो गया हमारा। और उसके बाद में इसी तरह से हमने क्या करा, ये जो
जो ढक्कन है, ढक्कन में भी हमने छेद किया, ढक्कन का छेद आपको दिखाई देगा, ये छेद है, और उसमें भी इसी तरह से एक फ्लैप लगाया ढक्कन में भी, जो कि खुल सकता है बंद हो सकता है। ये हमारा दूसरा वाल्व बन गया, ये भी बिल्कुल आसानी से खुलता है बंद होता है। इसकी भी विशेषता यह है कि यहां पर उसको दोहरा कर दिया है, तो बीच में क्योंकि गोंद नहीं है तो वो खुल सकता है बंद हो सकता है, और जहां गोंद वाला है वो यहां चिपक गया है हिस्सा। और अंत में हम ये करते हैं, ये जो ये डिब्बी है इसमें एक छेद करा, इसमें एक छेद है, और इसमें कोई भी हम एक सख्त सी प्लास्टिक की नली लेते हैं। आजकल बच्चे एडजिल के पेन इस्तेमाल करते हैं तो उनकी नली बहुत सख्त होती है, या किसी पेन की पुरानी बॉडी भी ले सकते हैं, इसके लिए नली सख्त होना जरूरी है। तो हमने यहां पर एक भोक करा और इसमें छेद किया, और छेद इतना ही बड़ा हो कि इसमें नली एकदम टाइट हो करके, कि भाई यहां से हवा लीक ना हो बिल्कुल, ये कर। तो हमने देखा कि भाई एक वाल्व हमारा ये है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस ढक्कन को इस डिब्बी में फिट कर देते हैं। और अब ये देखिए, बस ये पंप हमारा इस तरह से बनेगा। एक तो ये हमारा ये डिब्बी है जिसका पेंदा जिसमें वाल्व ऊपर लगा है, और दूसरा वाल्व यहां पर है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस रबर की ट्यूब से दोनों को जोड़ देंगे। इस पे हमने रबर का ट्यूब चढ़ा दिया। अगर इस डिब्बी को हम ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा भाई, इस दिशा में तो हवा जाएगी नहीं, तो ये पंप काम नहीं करेगा। तो इस वाली डिब्बी को, नीचे वाली को हमें इस तरह से लगाना है कि वाल्व पहले अंदर की ओर जाए। अब इस तरह से ये पंप बन जाता है, और अगर हमने ऐसे करेंगे तो हमको थोड़ा सा इसमें से कुछ हवा भी महसूस होगी कि हवा बाहर निकल रही है। और इसमें अगर कोई भी हम कोई गुब्बारा लगाएंगे इस पंप के अंदर, और गुब्बारे को हमें यह करना पड़ेगा कि गुब्बारे को हम बिल्कुल कस के खींच करके यहां दोहरा कर देंगे, नहीं तो हवा यहां से लीक हो जाएगी बाहर। और इस तरह से अगर ऐसे करते जाएंगे तो हर बार इसको दबाने में इसमें हवा भरेगी, और इससे हम गुब्बारे को फुला पाएंगे। तो इस पंप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर आप किसी भी गुब्बारे को पंप से फुला पाए तो ये पंप का बहुत अच्छा टेस्टिंग है कि आपका पंप बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर उसमें कहीं पर भी कोई लीकेज होता तो हवा उसमें से रिस्क निकल बाहर निकल जाती। तो ये बहुत ही एक सरल सा पंप है। इसके लिए हमने देखा कि बस एक पुराना साइकिल के ट्यूब का टुकड़ा, और दो इस तरह की हमको पुरानी फिल्म रील की डिब्बियां चाहिए, और एक सख्त नली चाहिए। तो अगर हम चेष्टा करें तो 10 मिनट से भी कम समय लगता है, और 10 मिनट से कम समय में हम एक बहुत ही सुंदर सा पंप बना सकते हैं,